नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 नवंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एनपीसीआई ने नौकरी का दिया सुनहरा अवसर। स्नातक या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। एनपीसीआईएल ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2020 तय की गई है। वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो छात्र शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी सारी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर ले सकते हैं। साथ ही इन पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पश्चिम रेलवे चलाएगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। छठ त्योहार में घर आने जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे की तरफ से अतिरिक्त भीड़ के सुचारू समायोजन के लिए 3 जोड़ी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार बांद्रा टर्मिनस से पटना और गाजीपुर तथा पोरबंदर से मुजफ्फरपुर के बीच यह विशेष किराए के साथ चलाई जाएगी, जिसके तहत ट्रेन संख्या 09023-09024 बांद्रा टर्मिनस पटना फर्स्ट विशेष ट्रेन विशेष किराए के साथ, ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस पटना विशेष ट्रेन रविवार 15 नवंबर 2020 को बांद्रा टर्मिनस से 15:25 पर प्रस्थान करके अगले दिन 23:45 पर पटना पहुंचेगी। इसके साथ ही अन्य परिचालित होने वाली ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। बिहार के जमुई जिले के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 16 मार्च 1983 को स्थापित इस संग्रहालय का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता चंद्रशेखर सिंह के नाम पर पड़ा था। वो 1983 से 85 तक मुख्यमंत्री रहे थे। संग्रहालय में महान पुरातत्वीय महत्व के पुराने पत्थर और 178 मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित है। यह संग्रहालय पालकालीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश के दर्शक, शोधकर्ता एवं विद्वान यहां संग्रहित पालकालीन कलाकृतियों को देखने और उसका अध्ययन करने आते हैं। चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई में 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक की पाषाण मूर्तियां प्रदर्शित है, जिसमें सबसे प्राचीन प्रतिमा नोनगढ़ से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा बहुत ही आकर्षक है। बिहार में कोरोना के मिले 700 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 702 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 224,977 पर पहुंच गई है। बीए, बीसीसी और बीकॉम की स्थगित हुई परीक्षाओं की नई तारीख हुई घोषित। बिहार विश्वविद्यालय ने बिहार विधानसभा चुनाव के कारण अंडर ग्रेजुएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्थगित हुई परीक्षाओं की नई तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट patnauniversity.ac.in पर संशोधित कार्यक्रम के तहत उपलब्ध है। इन कार्यक्रम के अनुसार पार्ट 2 के छात्रों के लिए यह परीक्षा 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही पार्ट 1 के छात्रों के लिए परीक्षाएं 4 से 21 दिसंबर तक आयोजित करवाई जाएगी। दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगी दीघा आर ब्लॉक 6 लेन सड़क। दीघा आर ब्लॉक सड़क को जल्द से जल्द शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। जानकारों की माने तो इस सड़क को अब अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। परियोजना के तहत हड़ताली मोड़ पर ओवरब्रिज तैयार हो गया है। अब इसके अप्रोच पथ को तैयार करने के लिए निर्माण एजेंसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह ओवरब्रिज बेली रोड से गुजर रहा है। इसके चलते बेली रोड और आर ब्लॉक दीघा 6 लेन दोनों ही सड़कों के यातायात में कोई अवरोध एक दूसरे के कारण नहीं आएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शेखर सुमन की। शेखर सुमन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में साल 1962 को हुआ था। शेखर की पहली फिल्म 1984 में रेखा के साथ उत्सव थी। उन्होंने नाचे मयूरी, संसार, चोर मचाए शोर, हार्टलेस और अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया है। शेखर एक निर्देशक भी है। उन्होंने हार्टलेस को निर्देशित किया। उनके बेटे अध्ययन सुमन ने उनके निर्देशन में अभिनय किया है। टेलीविजन पर शेखर बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने 1993 में देख भाई देख के साथ अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी। उनका शो सिंपल शेखर, मेड इन इंडिया, मूवर्स एंड शेकर्स, मसाला मार के बहुत लोकप्रिय था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। 1800
1996 में सलीम अली भारतीय वैज्ञानिक का जन्म आज के दिन हुआ था। 1927 में महात्मा गांधी के सिलोन की अपनी पहली और आखिरी यात्रा की थी। 1936 में केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले थे। 1940 में अमजद खान बॉलीवुड अभिनेता का जन्म हुआ था। 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं भारत रत्न से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। एनडीए की जीत पर गुप्तेश्वर पांडे ने जताई खुशी। बिहार के पूर्व डीजीपी और जदयू नेता गुप्तेश्वर पांडे ने दावा किया है कि इस चुनाव में जंगलराज पर नीतीश कुमार का सुशासन भारी पड़ा है। न्यूज 18 से बात करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि तेजस्वी को शायद पता नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट से फैसला नौकरियां नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि तेजस्वी उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, उन्हें मेरी शुभकामना है, लेकिन बिहार के लोगों ने गलत वादे का साथ नहीं दिया। पांडे ने आगे कहा है कि लोगों को यह समझ में आ गया है कि तेजस्वी का वादा जुमला है। ये पूछे जाने पर कि उनका अगला कदम क्या होगा, पांडे ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार और एनडीए के साथ हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। आज आएगा एमएलसी चुनाव का परिणाम। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब हर किसी को एमएलसी चुनाव के परिणाम का ही इंतजार है, जिसके बाद आज बिहार के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 सीटों का परिणाम आने वाला है। आज राज्य के 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सीटों के चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती होगी। मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर पटना उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चांसलर कार्यालय यूजीसी और राज्य सरकार को हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया है। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालय में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए 21 सितंबर 2020 को विज्ञापन निकाला गया। कोर्ट को बताया गया कि चयन प्रक्रिया के नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। बिना परीक्षा के बहाली की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है। अब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा डिजिटल मीडिया। देश में अब मेनस्ट्रीम मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया भी अब गाइडलाइन के तहत काम करेगी। मिली जानकारी के अनुसार देश के डिजिटल मीडिया अब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गए हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में बीते दिन आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले में फैसला बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में ही ले लिया गया था। अब डिजिटल मीडिया भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगी। इतना ही नहीं, अब ऑनलाइन फिल्में, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कॉन्टेंट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत ही आएंगे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। वहीं चुनावी परिणाम आने के बाद अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार की चर्चा गर्म हो गई है। हालांकि अब मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि चुनाव में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली है। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार मुख्यमंत्री चेहरा कुछ और हो सकता है, जिसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने भी अपना बयान जारी किया है, जहां उन्होंने यह साफ कह दिया है कि बिहार में इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को बताया सफल। बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। वहीं परिणाम आने के बाद चिराग पासवान की काफी ज्यादा फजीहत हुई है, क्योंकि लोजपा को मात्र 1 सीट पर जीत मिली है, जिसके बाद बीते दिन चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि बिहार में जदयू को हराना और नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। इस काम में हम लोग सफल हुए हैं और नीतीश कुमार की हार हुई है, लेकिन आज भी भाजपा के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो संबंध है वो केंद्र में भी बरकरार रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश के नेतृत्व में संकल्प को सिद्ध करने की कही बात। बिहार में एनडीए को मिली बहुमत के बाद बीते दिन भाजपा के दिल्ली कार्यालय में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो संकल्प हमने लिया है उसे सिद्ध जरूर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरह साफ है। बिहार में सबका साथ, सबका विश्वास के की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इन चुनाव परिणामों में भाजपा को एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भाजपा एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जितनी बधाई दो उतनी कम है।
बेटे और पार्टी की हार पर छलका शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जिन नेताओं ने अपने घर से किसी को चुनावी मैदान में उतारा था, उसमें से कई को हार मिली है। इन चुनावों में इस बार राजनीतिक किस्मत आजमाने मैदान में उतरे लव सिन्हा को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द छलक कर सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लव, हमें आप पर गर्व है, कई लोग आपसे सीख सकते हैं। जब मैंने शुरुआत की तो अपने ईमानदारी पूरी लगन के साथ मैंने काम किया। उन्होंने आगे लिखा, यह अंत नहीं है, आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बिहार चुनाव में जीत पर नीतीश को दलाई लामा ने दी बधाई। बिहार में मतदाताओं ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है, जिसके बाद बधाई देने वालों की लंबी कतार देखने को मिली, जिसमें दलाई लामा का नाम भी शामिल है, जिसके तहत तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने पत्र लिखकर सीएम नीतीश को जीत की बधाई दी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि बिहार के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें पूरा करने में आप सफल होंगे। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बिहार एनडीए की सरकार दोबारा से बनने वाली है। कांग्रेस ने हार का ठीकरा फोड़ा मतगणना में हुई गड़बड़ी पर। बिहार चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद महागठबंधन में मंथन तेज हो गया है। राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल के अंदर इस बात पर विचार किया जाने लगा है कि आखिर इतनी तैयारियों के बाद भी हार कैसे मिली, आखिर चूक कहां से हो गई। कुछ ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी मंथन चल रहा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह, विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने चुनाव परिणाम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन हारा नहीं बल्कि सीएम आवास से सारी कारगुजारी की गई है। कई सीटों पर प्रत्याशियों की जीत की घोषणा के बाद भी उन्हें सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया। उन्होंने साफ कहा है कि मतगणना के दिन हेराफेरी हुई है। जीत से गदगद जीतन राम मांझी ने चिराग को लिया आड़े हाथ। हम प्रमुख जीतन राम मांझी को इमामगंज से जीत मिली है, वहीं जीत के साथ ही उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। उनको उनकी जीत की बधाई देने वालों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। वहीं हार जीत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट दे तो हश्र क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान ने जिस फोल्ड में रहे हैं उसे ही हराने और बर्बाद करने का काम किया है। दिग्विजय सिंह ने भतीजे को आशीर्वाद देने की कही बात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बातों ही बातों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी को आशीर्वाद देने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे। बिहार में इस अमरबेला रूपी भाजपा और संघ को बिहार में मत पनपने दीजिए। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने भाजपा को अमरबेल का पेड़ भी बताया है, जो कि जिस पेड़ से लिपट जाती है वो सूख जाता है। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपनी कूटनीति से नीतीश का कद छोटा कर दिया है और रामविलास पासवान की विरासत को समाप्त कर दिया है। अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 2018 मामले में हिरासत में लिए गए अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सुनवाई के दौरान अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी की पीठ ने अर्णब गोस्वामी को बेल दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनसे सेशन कोर्ट जाने को कहा था। इधर अर्णब सुप्रीम कोर्ट गए और उन्हें आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई। आईपीएल के नए सिक्सर किंग बने बिहार के लाल ईशान किशन। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में छक्कों की जमकर बारिश हुई। हालांकि इस साल जहां सिक्सर किंग के तौर पर पहचान रखने वाले मैक्सवेल और धोनी जैसे खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए, तो युवा बल्लेबाजों का जलवा बरकरार रहा, जिसमें ईशान किशन, संजू सैमसन और राहुल तेवतिया ने अपने बल्ले के दम पर सबको चौंका दिया। 13वें सीजन में मुंबई इंडियन के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 30 छक्के लगाए। सिक्सर किंग बनकर उभरे ईशान किशन ने 14 मैच में 30 छक्के और इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की वजह से उन्हें 10 लाख रुपए की इनामी राशि भी मिली। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी ने तोड़े सारे व्यूअरशिप रिकॉर्ड। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म की चर्चा लगातार हो रही है। वहीं अब लक्ष्मी फिल्म ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, जिसके तहत व्यूअरशिप के मामले में लक्ष्मी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मुताबिक लक्ष्मी ने सभी फिल्मों के व्यूअरशिप रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिलीज होने के कुछ ही घंटे में यह व्यूअरशिप के मामले में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस फिल्म ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,650 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,650 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। व्हाट्सएप बिजनेस में ऐड हुआ शॉपिंग बटन। व्हाट्सएप ने अपने बिजनेस ऐप में नया शॉपिंग बटन लॉन्च कर दिया है। इसकी मदद से अब व्हाट्सएप बिजनेस पर नया शॉपिंग बटन उपयोगकर्ताओं को कैटलॉग के माध्यम से ब्राउज करने देता है और व्यवसायों को सीधे एक निश्चित उत्पाद के बारे में संदेश देता है जिसे वो खरीदना चाहते हैं। शॉपिंग बटन व्हाट्सएप पर स्टोर फ्रंट आइकॉन के रूप में दिखाई देगा। यह टॉप पर व्यवसाय खाते के नाम से बगल में दिखाई देगा। उपयोगकर्ता इस खरीदारी आइकॉन पर टैप कर सकते हैं और उपलब्ध उत्पादों की सूची के माध्यम से ब्राउज कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, संजय कुमार, अमरेश चौधरी, अजीमा फिरदौस, राकेश रंजन यादव, अनिल सिंह खरवर, कुंदन भारती, कृष्णा कुमार, दीपक कुमार, राकेश वर्मा, अमित भगत, रंजीत शाह, सत्यम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का अब तक का सबसे मशहूर क्रिकेटर कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।